बांदा में गांव के पास बने विद्यालय के समीप हो रहे मुक्तिधाम के निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने रोष जताया। इस बात को लेकर ग्रामीणों ने जब ग्राम प्रधान से बात की तो प्रधान ने उनकी बात ना सुनते हुए निर्माण कार्य जारी रखने की बात कही। वहीं उसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन के माध्यम से ग्राम प्रधान के द्वारा की जा रही मनमानी की शिकायत की। आपको बता दें, पूरा मामला बांदा जनपद के देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के चिल्ली गाँव का है, जहाँ गाँव में बने प्राथमिक विद्यालय के पास ही ग्राम प्रधान के द्वारा मुक्तिधाम का निर्माण करवाया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को समस्या आ रही है। संपूर्ण जानकारी देते हुए ग्रामीणों ने बताया कि जिस तरह से विद्यालय के समीप मुक्तिधाम का निर्माण करवाया जा रहा है, उससे विद्यालय में पढ़ने जाने वाले बच्चों को भारी समस्या उठानी पड़ेगी। जैसे यदि विद्यालय जाते हैं तो उसी दौरान कोई शब्दहन हो रहा है तो कहीं ना कहीं उनके मन में भय व्याप्त होगा। पालक पनीर कहाँ से आए? चिल्ली। चिल्ली से थाना? थाना देहात। क्या समस्या, क्यों आए हो? शमशान घाट के विषय में। क्या है पूरा मामला? मामला भी ये स्कूल और बस्ती के बिल्कुल नजदीक है, शमशान घाट। क्या चाहते हैं आप लोग? तो उसको हम मना कर रहे हैं पहले के पास मार्केट ना बने। अरे बोलिए, पूरी बात बताइए। मना कर रहे हैं कि वो ना बने वहाँ। क्यों नहीं बने, क्या कारण है? बस्ती नजदीक है बिल्कुल, और स्कूल का मेन रास्ता स्कूल के नजदीक। कौन बनवा रहा है? प्रधान। आपको बोलना चाहिए आप। अच्छा, आपके ऊपर आरोप भी है कि आपने जो मरघट की जमीन पे कब्जा कर रखा है, अवैध कब्जा। वो साहब ऐसे पड़ी है बिल्कुल, हम लोग कोई कब्जा नहीं किए। मकान बना हुआ है आपको? कुछ मकान नहीं, कोई मकान नहीं है। मौके में मकान बना हुआ है? नहीं बना, नहीं बना हमारा। हमारे तो वहाँ बगीचा